अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है क्लास वन, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, आज जो टीचर ने आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं बुक के ऊपर, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। जैसे इसमें आ रहा है, आप देख रहे होंगे, आज दो तरह के सवाल बुक में हुए हैं। एक तो ऐड हुआ है और दूसरा टेक अवे। टेक अवे का क्या मतलब होता है? माइनस करना। तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखेंगे, और वो भी किसको सामने रखते हुए? नंबर लाइन को सामने रखते हुए, क्योंकि अभी आपके लिए ये मुश्किल है कि आप दो वर्ड को, बड़े जो वर्ड्स हैं उनको ऐड करें। तो अभी सामने हम नंबर लाइन वाला करेंगे ताकि आपको एडिशन की समझ आ जाए। आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने, ज़ीरो से लेके टेन तक के वर्ड्स लिखे, डिजिट्स लिखे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नज़र आ रहे हैं आपको? ठीक है, उसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखा है 1 + 9 = 10। तो ये आप परेशान हो रहे होंगे कि 1 + 9 = 10 कैसे बन गया, तो इसके लिए हम फिर नंबर लाइन का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो एडिशन हमने करनी है वो क्या है, एक तो आपके सामने 1 है और उसमें आपने ऐड क्या करना है, 9 ऐड करना है। तो पहला जो डिजिट है 1, तो आप नंबर लाइन में कहाँ चले जाएंगे, 1 पे चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा डिजिट कौन सा आ रहा है, 9। अब आपने 1 से आगे 9 काउंट करने, यानी कि 2 को आप क्या काउंट करेंगे, यहाँ से आपने 1, 2, 3, 4 करके 9 तक काउंट करना है। ये मैं अभी आपको करके बताती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए जी। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे कि ये 1 है, तो मैं कहाँ पे चली गई, 1 पे, यानी यहाँ पे ऊपर डॉट सा बना हुआ है, तो यहाँ पर 1 के ऊपर हमने अपना स्केल रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करनी है, और वो कर्व कैसी ड्रॉ करनी है, जो 9 लिखा हुआ है। आपने पहला डिजिट देखा 1, अब आपने आगे कितना काउंट करना है, 9। तो हम यहाँ से 9 काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 कहाँ तक बना, इस जगह तक बना है, और यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10। तो इसका मतलब है कि हमने 1 में 9 प्लस किया और उसका आंसर क्या आ गया, 10 जी। तो आप देख रहे होंगे कि क्या चीज़ हुई है, कि 1 में 1 था पहले, उसमें 9 प्लस करना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ से हमने 1 काउंट करना शुरू किया और यहाँ तक हमारा 9 बन गया। तो आंसर इसमें क्या, यहाँ जो चीज़ लिखी होगी यानी कि 10, वही आपने बॉक्स में लिखना होगा। तो इस तरह से आपकी एडिशन बहुत इजी हो जाएगी जी। अब ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आपके पास आ गया, अब आप परेशान हो रहे हैं कि इधर तो बॉक्स है, इधर 6 है, इधर 10 है, इस बॉक्स में हम क्या लिखें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। तो आप देखें कि इसका आंसर 10 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, सिर्फ 6 है, इधर का तो आपको कोई पता नहीं है, तो इसलिए हम इसी से ही काम चलाएंगे कि हमारा आंसर 10 हो जाए। तो 6 तक हम जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक चले गए। अब आगे हमने पहुँचना कहाँ तक है, पहुँचना हमने 10 तक है। तो आपने यहाँ तक एक कर्व ड्रॉ कर दी, यानी यूँ से यूँ 6 हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ से जंप लगाकर 10 पहुँच जाएं, इसलिए कि आपने 10 तक पहुँचना है। तो अब आप काउंट करें पीछे कितने हैं, इस कर्व के नीचे कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4। और ये जो क्वेश्चन है 5 + 5, इसको भी आपने नंबर लाइन से ही करना है, ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दे दी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।